जगदीशपुरा थाने में बीती रात में एक घटना हुई है जो कि बहुत ही गंभीर प्रकृति की है। जैसे कि आपको मालूम है कि अभी करीब 4 दिन पहले यहाँ पर एक क्रिमिनल केस के सिलसिले में यहाँ पर काफ़ी प्रॉपर्टी रिकवर की गई थी, करीब 4 किलो गोल्ड और 25 लाख 24.5 लाख रुपए कैश रिकवर किया गया था। बीती रात में जो अभी तक की जानकारी सामने आ रही है उसमें नकब लगा करके जो ये सामान रखा हुआ था उसमें कुछ सामान चोरी गया है, करीब 25 लाख रुपए कैश चोरी गया है, जिसमें इस घटना का कैश है और प्लस एक पुरानी घटना का और करीब 1.25 लाख रुपए कैश था उसका कैश है। बाकी चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं, गोल्ड मौजूद है और जो वेपन्स वगैरह हैं वो भी मौजूद हैं। कुछ सूत्रों से इस प्रकार की जानकारी मिल रही थी कि वेपन्स चोरी गए, ऐसी बात नहीं। इस मामले में तत्काल मुकदमा कायम कराया जा रहा है और कई टीमें लगा करके इसको जल्दी से जल्दी इसको अनावरण किया जाएगा, पैसे रिकवर किए जाएंगे, जो भी लोग इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासनिक दृष्टि से इसमें कुछ लोगों की लापरवाही पाई गई है, इस कारण इस थाने के जो SHO हैं AK तिवारी और जो नाइट ऑफिसर जिनकी रात में ड्यूटी थी SI रामनिवास और नाइट में जो 3 कर्मियों की ड्यूटी थी जिनका रूम इस कमरे के बिल्कुल बगल में था, ये 3 कांस्टेबल हैं, इनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जा रहा है। पूरे प्रकरण की गंभीरता से और विस्तृत रूप से जांच करने के लिए SSP साहब को निर्देश दिए गए हैं और हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि जो घटना हुई है इस घटना को पूरा वर्कआउट किया जाए और जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।